नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। गांव किसान के नए एपिसोड के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, जिसमें आज हम बताएंगे किसानों के हाट के बारे में। जी हां, राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा हाट बनाया गया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे किसान बेच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा पशुधन की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे रिज़्का की खेती के बारे में। जी हां, रिज़्का एक हरा चारा फसल है जिसे साल भर आप ले सकते हैं। कैसे किसान इसकी फसल ले सकते हैं, कौन कौन सी बातें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण है जिसका ध्यान उन्हें रखना जरूरी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और अंत में बात होगी कामयाब किसान की दास्तां की। इस किसान की खास बात यह है कि जहां ये खेती करता है साथ ही साथ पशुपालन भी करता है, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि उसने अपने जीवन में अपनाई है और कामयाबी हासिल की है, बताएंगे सभी बातें आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। गाँव किसान में सबसे पहले बात खेती किसानी की। आज हम आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका। जी हाँ, द्वारका इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक विशेष तरह का हाट बनाया गया है और ये हाट है किसानों के लिए। अक्सर हमारे वो उपभोक्ता जिन्हें ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए यानी जैविक खाद्य पदार्थ चाहिए, उनके लिए मुश्किल ये होती कि वो कहाँ जाएँ। और हमारे ऐसे किसान जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उन्हें एक बाज़ार उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा मंच नहीं मिलता जहाँ वो जाकर अपनी फसल बेच सकें। तो ये एक ऐसा हाट है जहाँ पर किसान और उपभोक्ता आमने सामने होते हैं, और ख़ास बात ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक यानी जैविक चीज़ें ही बेची जाती हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसी हाट में। दिल्ली के किसान विजयपाल ने खेती किसानी तो की ही, लेकिन इसके साथ साथ एक उद्देश्य को भी सार्थक किया, जिसमें किसानों की सब्जियों एवं फलों को एक अच्छा बाजार मुहैया कराया गया। विजयपाल ने अपने साथ अन्य किसानों को जोड़कर एक बाजार का निर्माण किया, जिसमें सभी किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सके और ग्राहकों को एक अच्छा उत्पाद। हम यहाँ पे एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान संगठन कंपनी चला रहे हैं, जिसका नाम ग्रामकुल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। और इसके अंतर्गत हम मुख्य तौर पे ग्रामीण जो महिलाएं हैं, किसान हैं, जो युवाएं हैं, उनको रोजगार और समृद्धि देने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो किसान अपनी फल सब्जी अनाज दलहन इत्यादि जो फसल का उत्पादन जो करता है, उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता है। अगर उदाहरण लें तो इस समय तोरी का भाव 80 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन किसान जब उसको मंडी में बेचने जाता है तो उसको 25 से 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसका भाव मिल पाता है। तो जो बीच का मार्जिन है वो सारा आढ़ती और अन्य जो मांसाखोर हैं वो उसको ग्रास्प कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, और रिस्क सारा किसान के साइड पे रह जाता है। जो प्राकृतिक रिस्क है, जो उत्पादन ना होना है, जो बीमारियां हैं, जो मेहनत है, वो सारा किसान करता है, लेकिन उसका मैक्सिमम उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसी मुख्य तौर पे इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए अपने किसान संगठन के द्वारा हम आज जिस आउटलेट में खड़े हैं वो एक किसान के द्वारा ही चलाया जा रहा है, संजू जी के द्वारा, और वो खुद ही अपने परिवार के साथ लग के सब्जी एंड फलों का उत्पादन करते हैं और अपने इस आउटलेट में द्वारका में इनको बेचते हैं। और डायरेक्ट जो ये किसानों से जो फल सब्जी इत्यादि खरीदते हैं वो उनको बहुत बढ़िया मूल्य पे उनको पैसे देते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करने का एक मौका मिलता है। और हमने देखा है कि कंज्यूमर की साइड पे अगर उपभोक्ता की तरफ हम देखें तो वो चाहते हैं कि उनको ताज़ा से ताज़ा फल सब्जी मिले, लेकिन जितने बिचौलिया बढ़ जाते हैं उसकी वजह से समय ज़्यादा लगता है, और क्योंकि उनको क्वालिटी का एश्योरेंस नहीं है, वो उत्पादनकर्ता नहीं है, इसीलिए उनको पता नहीं होता कि उनकी क्वालिटी वो क्या सर्व कर रहे हैं। जब किसान डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरेक्ट होगा तो उसको पता होगा कि कंज्यूमर बहुत फ्रेश उसको चाह रहा है, किस मूल्य पे चाह रहा है, तो इस प्रकार कंज्यूमर का भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ग्राहक भी इस बाजार से संतुष्ट हैं, जहां उन्हें सही दाम और सही उत्पाद मिल रहे हैं। सब्जी मोस्टली मैं यहीं से ले जाता हूं, पहले लेता था मंडी से, वहां पे आज लाओ कल तक ख़राब हो जाती थी, यहां 3-4 दिन तक बची रहती है, और यहां पे रेट भी ठीक है और क्वालिटी भी ठीक है, दूसरी यूरिया वगैरह डालते नहीं हैं, इससे हेल्थ के लिए भी अच्छा है हमारे। यहां सब्जियां सब बहुत फ्रेश है, रीज़नेबल है, एंड हम लोग बहुत खुश हैं।
जो लोग वर्कर्स हैं यहाँ वो लोग भी बहुत अच्छा से अटेंड करते हैं। और क्या चाहिए? प्राइस भी रीजनेबल है, फ्रेश मिल जाता है, दैट्स ऑल, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ की क्वालिटी से मैं तो खुश हूँ, बाजार से सही रीजनेबल रेट मिल रहे हैं, फ्रेश हैं, ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग जाते थे नसीरपुर मंडी में, वहाँ पे आती हैं सब्जी, वहाँ भी फ्रेश, बट ये नहीं है कि वहाँ ख़राब है, कई बार वहाँ पुरानी भी मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ सही लगा हम लोगों को। तो अभी आपने देखा ये किसान हाट, जिसे हम कह सकते हैं जैविक किसान हाट। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या हैं आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया हमारा पशुधन का। हमारा पशुधन में अक्सर हम आपको पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताते हैं। आज हम बात करेंगे हरे चारे की। जी हाँ, हमारे किसानों की मुश्किल ये होती है कि साल भर वो अपने पशुओं को हरा चारा कैसे उपलब्ध कराएं। तो इसका जवाब है रिजका की खेती। जी हाँ, रिजका एक दलहनी फसल है जिसे हमारे किसान ले सकते हैं और साल भर इसे हरा चारा भी उपलब्ध रहेगा। खास बात यह है कि एक बार इसकी खेती करने से हमारे किसान कई वर्ष तक इसकी खेती से लाभ ले सकते हैं, यानी हरा चारा उनके लिए उपलब्ध रहेगा। तो आइए देखते हैं रिजका की खेती से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आज से हमने लगभग 4.5 साल पहले गाय पालन शुरू किया था। जैसे हमारी गायें जितनी भी है उसके आपको देखोगे किस कोई भी गाय बंधी नहीं, उसके गले में एक रस्सी है। वो इसलिए ताकि वो जहाँ जब ये चारा खाने जाएं या इनका दूध निकालने का टाइम हो तब इनको बांध दिया जाए ताकि ये वहाँ पे कोई हरकत ना करे, एक दूसरे को मारे ना या गवाले को कुछ ना कहे। हालांकि वैसे कुछ कहती नहीं है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये लाभ है कि अपनी मर्जी से जब दिल चाहे धूप में बैठो या छाया में बैठो, ठीक है, झुंड में बैठो या अकेले में बैठो, या दिल करे जब पानी पीने का, जैसे हम इंसान है, मान लीजिए अगर हमें कोई बिठा दे एक जगह पे, बांध के बिठा दे, लगा लीजिए इनकी तरह अगर हम सोचें तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपको एक बार पानी पिला दिया, अगर आपको बोल दिया चुप, आपको कुछ बोलना नहीं है, तब आपको प्यास लगे या ना लगे। अब मान लीजिए 2 घंटे के बाद आपको भूख प्यास महसूस हो रही है, प्यास लग रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता प्यास के आदमी पानी के बगैर तो रह नहीं सकता, भूख के बगैर तो फिर भी रह सकता है कि एक दिन निकाल दे या कुछ घंटे निकाल दे। फिर हम देखते हैं कि हमें इतनी तेज से प्यास लगती है, उसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने इसलिए गायों को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है कि अपनी मर्जी से जब चाहे तब पानी पी सके। और दूसरी बात क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी फोकस करने की इतना वो नहीं है, एक लेबर को इनके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा कि पानी पिलाना है इसको, ये करना, बेफिक्र हम कहीं पे भी जा सकते हैं इनको छोड़ के। सुबह अपना चारा डालिए और फिर आके आपको शाम को देखना है। तो अपनी मर्जी से जहाँ बैठे बिल्कुल मस्ती से, आप देखोगे सारी गायें बिल्कुल बड़ी मस्ती से बैठी है, ठीक। तो ओपन फार्मिंग का एक तो ये फायदा है। रिजका चारे की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो जून माह तक हरा चारा देती रहती है। इसमें बरसीम की अपेक्षा सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। यह चारा एक बार लगाने के बाद 3 साल तक फसल देती रहती है। किसानों के लिए पशु चारे के रूप में रिजका एक अच्छा विकल्प है। मैं अपनी गिर गायों को साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर जो भी नस्लें मेरे पास है उनको हरे चारे के रूप में रिजका
ये जो फसल आपको दिखाई दे रही है मैं खिलाता हूँ। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, जैसे कि आप जानते हो प्रोटीन, गायों को दूध बढ़ाने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो रिज़्का के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर प्रोटीन है। अगर आप रोज़ 20 से 25 किलो रिज़्का खिलाते हो तो आपको दाने की मात्रा का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपकी भूसे की जो लागत है, जो आपको आजकल मार्केट रेट है 8 रुपये और जो सर्दियों में 12 रुपये तक हो जाता है, अगर आप रिज़्के की बुआई करते हो जो कि आपको पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध कराता है, उसको साथ में लेकर चलते हो तो आपको भूसे की कॉस्ट भी कम पड़ती है। और दूसरा क्या, इससे खाने से गायों के शरीर की चमक बनी रहती है, उनके अंदर फुल एनर्जी रहती है और दूध की कैपेसिटी तो बढ़ती है, क्योंकि हर कोई किसान जो पशुपालक है वो यही चाहता है कि उसकी गाय या भैंस का दूध कैसे बढ़े। तो दूध बढ़ाने के लिए जो मेरा तजुर्बा है तो रिज़्का इज़ बेस्ट, क्योंकि इसको गायें बड़े पसंद से खाती है ना। आप देखते हो कि कई बार गायें एक फसल खाने से उसका मन भर जाता है, पर रिज़्का इतना पौष्टिक है कि जब भी डालो इसको तो गायें इसको पूरा साफ कर देती है, बिल्कुल जरा सा भी उसको नहीं छोड़ती। अक्टूबर से नवंबर के मध्य का समय रिज़्का की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। रिज़्का को अगर पहली बार बोया जा रहा हो तो रिज़्का का कल्चर उपयोग करना चाहिए। कल्चर उपलब्ध ना हो तो जिस खेत में पहले रिज़्का बोया गया हो उसमें से ऊपरी परत से 30 से 40 किलोग्राम मिट्टी निकाल कर जिसमें रिज़्का बोना है उसमें मिला देना चाहिए। बुआई अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर सर्दी की जब शुरुआत होती है तब रिज़्के की बुआई होती है। और दूसरी बड़ी बात क्या है, आप अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो उसके अंदर रिज़्का बेस्ट है। वो इसलिए कि आप एक बार गोबर डालिए अपने खेत के अंदर, फिर उसके अंदर रिज़्का की बुआई कीजिए। इस खेत में आज 2 साल 2.5 साल पहले हमने रिज़्का की जो है बुआई करी थी और आज तक एक ही बार गोबर का इस्तेमाल किया और हर बार इसमें पानी दे के हम इसमें काम चला रहे हैं। उसके अलावा हमने कोई भी कीटनाशक या कोई भी खाद, यूरिया, DAP किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, इसकी हाइट लगभग 2.5 फुट तक इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं अगर आपको अपना स्वास्थ्य देखना है, आपके पशु का स्वास्थ्य देखना, अच्छा दूध चाहिए तो उसमें रिज़्का हर चीज़ के ऊपर खरा उतरता है। किसान भाई रिज़्का चारे को व्यवसाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिज़्के की 2-3 किस्में आती हैं जो 1 साल और 3 साल तक चलती है। तो हमने जो लगाया वो 3 साल वाला है, उसका मैं नाम भी बता सकता हूँ, आलमदार, जो कि गुजरात के अंदर पाया जाता है, वहाँ से हमने बीज मंगाया था। दूसरा, ये अगर हम इसको व्यवसायिक रूप में लेना चाहें तो गर्मियों के अंदर आप देखो हमारे चारों तरफ अभी सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे भी आपको हरी चीज़ कोई दिखाई नहीं देगी, पेड़ हैं उनके पत्ते भी सूख गए हैं सारा सब कुछ, वैसे कि ये खेत है जो आपको हरा जो दिखाई दे रहा है। गर्मी के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और 10 से 15 दिन के अंदर आप इसकी काट ले सकते हैं। जैसे अभी आपको इसकी हाइट दिखाई दे रही है लगभग 1.5 से 2 फुट है और ये मेरा अंदाज़ा है शायद 12 से 13 दिन का इसके जो है ना, ये 12 से 13 दिन का है। और इसको आप व्यावसायिक रूप में इस तरीके से भी ले सकते हो कि आप इसको मशीनों से इसके बंडल बना के उनको सुखा के, और 8 रुपये किलो के हिसाब से मैंने इंटरनेट पे चेक किया था तो लोग इसको बेच रहे हैं, तो आप इसका ये भी व्यावसायिक रूप ले सकते हैं। क्योंकि ये आपकी ऐसी फसल है जो ख़त्म तो होगी नहीं, बढ़ती रहेगी, काटते रहिए, उसको स्टोर करते रहिए और आप उसको सेल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप जैसे कोई डेयरी है, डेयरियाँ चल रही हैं या गौशालाएँ हैं, उनको भी हरे चारे की आवश्यकता, और गर्मियों में तो हर जगह हरे चारे की पूर्ति हो नहीं पाती, तो हम वहाँ पे भी इसको सेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हरे चारे के रूप में ये शायद 2 से 3 रुपये किलो के हिसाब से गौशालाओं या डेयरियों के अंदर जा सकता है। तो आप इसका हर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, गायों के स्वास्थ्य के लिए भी, अपने भी लिए भी, और तीसरा आप अपना व्यवसाय के लिए, तो आप रिज़्के की फसल उगा सकते हैं। पशुओं के लिए हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही साथ उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। इसी के साथ ही अब वक्त हुआ है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का।
पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में ताप घात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लंगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, थप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणु नाशक घोल से भिगोएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। कामयाब किसान की दास्तां में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उड़ीसा के युवा किसान प्रियरंजन मोहंती से। किस तरीके से वो नया उदाहरण पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जैविक खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का वो लाभ उठा रहे हैं, आइए जानते हैं। उड़ीसा भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के 30 जिले तरह तरह की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य में कृषि के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60% से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए आज का युवा वर्ग भी कृषि के प्रति आकर्षित हो रहा है। कृषि और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से कई लोग जीविका उपार्जन कर रहे हैं। आज हम जिस किसान भाई की सफलता की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वे हैं कंधमाल जिले के प्रियरंजन मोहंती। उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की बजाय उन्होंने कृषि को अपनाया। पैसा थिला जोटा कि बापा को कहीकि जगहटा को किनी देली, जगहटा पूरा किणा हला, जगह किणा हला। पापा ने इस जमीन को खरीदने के बाद मैं इधर सागवान का 350 पेड़ लगाया जो के भविष्य में अच्छा पैसा देगा। सागवान का पेड़ जिसका रिटर्न मुझे 20-25 साल इंतजार करना पड़ेगा पाने के लिए।
फिर मैं वेटनरी डिपार्टमेंट के सर के साथ मिला, उन्होंने मुझे बोला कि बकरी पालन करो। तो सब जगह ये करी हो ना, से तो 25 वर्ष 30 वर्ष पर जाएगी इनकम हो, तापर बाड़ा बुले जाएगी टोटाल बगीचा को। उनका एक मॉडल फार्म हाउस है जिसमें वे विभिन्न प्रकार की खेती करते हैं। अपने पिताजी की मदद से उन्होंने जमीन खरीद कर उसे खेती लायक बनाया। जमीन के चारों ओर टीक के पेड़ लगाए गए। आज उनके पास लगभग 350 से अधिक टीक के पेड़ हैं। साथ ही उन्होंने बकरी पालन के व्यवसाय को भी अपनाया। तापर मते हमर बीबीओ सर कहले मॉडर्न प्रोजेक्ट अछि जोडा कि तभी में 50,000 सरकारी सहायता से 50 बकरी पालन किया 53,000 के मोर पर्सनल 53,000 और उसी फार्म में मुझे मेरे घर वालों ने बहुत सहायता मिला। फिर मैं कुछ देसी मुर्गी पालन किया और अच्छा पैसा मिला। आ किसी छेड़ी मजो आ 20 छेड़ी थला आ 30। मैं समन्वित कृषि करने से मैं खुद का गुजारा के साथ पूरा परिवार अच्छे से रहते हैं। ये सब करके मैं महीना 50,000 रुपया कमाता हूँ। फैमिली टोटल आसी बापा के साथ काम कर जो गाय भी किसी आने की रखी जो गाय बर्तन अच्छा गाय बाछुड़ी तापर कुकुड़ा देसी कुकुड़ा आउ गवर्नमेंट रो जो आसी रेनबो कुकुड़ा जोड़ा बनराज कुकुड़ा कहते हैं बनराज कुकुड़ा अच्छा। सरकारी सहायता से बकरी पालन गौ पालन और मुर्गी पालन कर रहे हैं जिससे आज उनकी आमदनी भी अच्छी हो गई है। प्रियरंजन जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं जिसके लिए सिंचाई का प्रबंधन भी उन्होंने अपने खेतों में ही किया हुआ है। साथ ही कृषक उत्पादक संघ में शामिल होकर उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार भी किया है। बाबा सब किसी इनकम जो आसा चलिया सहित आम फैमिली टोटल चली ही जाऊँ भल से चली ही पाखापाखि बोधे मसक 40-50,000 टाँग इनकम आस मैं ग्रेजुएशन के बाद टेंशन पे था, जॉब नहीं मिल रहा था। कृषि करके मैं खुद का रोजी रोटी ढूंढ लिया और ये कृषि करके मुझे गांव में रह के खुद के घर को देखा और बाहर जाने भी नहीं पड़ा और यही अच्छा खासा पैसा यहीं पे भी कमा लेता हूँ। भाविया गले भलो इनकम मध्य हो पारुछि चाकरी बढ़िया ही इनकम आसुछि किछ असुविधा नहीं। आज वे एक सफल तथा अग्रणी किसान के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये थे कामयाब किसान की दास्तां। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।